नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। गोवा स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा सरकार से कारोबार करने में आसानी को लागू करने की मांग। मापसा नगर पालिका के दैनिक वेतन स्वच्छता कर्मचारियों की मजदूरी में बढ़ोतरी की मांग। गोवंश रक्षा अभियान की दक्षिण गोवा कलेक्टर और DSPCA के अध्यक्ष से बुल फाइट्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग। गोवा के मुख्यमंत्री सावंत द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों की भर्ती के लिए विशेष अभियान। श्री शांता दुर्गा देवस्थान समिति कवरिम द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के सभी SOP के साथ जत्रोत्सव आयोजित करने का निर्णय। गोवा के मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि सचिवालय में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड्स को GHRDC के माध्यम से अवशोषित किया जाएगा। भाजपा ने गोवा में पूर्व सर्विसमैन सेल का शुभारंभ किया। पेड़ने के भेड़वादा कोरगांव में एक जैविक गुड़ इकाई स्थापित। गोवा के मुख्यमंत्री सावंत ने उद्योग हितधारकों के साथ परामर्श शुरू किया। गोवा के ऊर्जा मंत्री नीलेश काब्राल द्वारा गोवा में इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों की शुरुआत के महत्व पर जोर। भारत का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च करेंगे गडकरी। उत्तर प्रदेश में चलती ट्रेन के सामने कूदकर मां और बेटी ने दी जान। अंतर्राज्यीय वन माफिया मध्य प्रदेश में गिरफ्तार। बांग्लादेश के 4 प्रशिक्षित उग्रवादियों ने त्रिपुरा में किया समर्पण। अदालत ने सलमान खान के खिलाफ राजस्थान सरकार की याचिका खारिज की।